माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी हूँ ठीक ठाक खैरियत से। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने साइड टेबल उठा दिया है, और इसलिए उठाया क्योंकि मोहम्मद ना साइड टेबल पे जाके बैठ जाते थे, तो मैंने ना साइड टेबल ये यहाँ पर रख दिया है। अभी फ़िलहाल मैंने इस पर रज़ाई और कम्बल वगैरह जो सा ना तय लगा के रख दी है। तो अभी जस्ट मैंने सफ़ाई की है, बेड की सफ़ाई की है, और मोहम्मद देखा है चीखे मार रहा है कि मुझे यहाँ से निकालो। और अभी इन दोनों को मैंने नाश्ता भी कराना है कमरे की, पहले मैं सफाई कर लूँ ना फिर। और इसके अलावा आज शब रात है, आप सबको शब रात की मुबारक हो। और आज ना मैंने क्या करना है, अपने ड्राइंग रूम को अच्छी तरह से मैं साफ करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने सफाई उसकी डीप क्लीनिंग जो होती है ना वो डीप क्लीनिंग नहीं की है। जस्ट मैं ना इस तरह से डस्टिंग करके तो झाड़ू लगा देती हूँ, ये देखें आप काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदी हुई हुई है। इसको मैं आज अच्छी तरह से साफ़ करूँगी अपने ड्राइंग रूम को, क्योंकि मैं यहाँ पर रात को बैठ के ना इबादत करूँगी, तो मैं इनका साफ़ सुथरी करके ना फिर यहाँ पर बैठूँगी। तो दूसरी तरफ अभी किचन मेरा जो सा है उसी तरह है, अभी मैंने किचन की सफाई कोई नहीं की है, ये देखें आप सारा गंद उसी तरह पड़ा हुआ है। नाश्ता वाश्ता बनाया था तो कोई नहीं किया। दूसरा रूम भी उसी तरह गंदा है, वो गेस्ट जो से आए मैं ऊपर गए हुए थे, मैंने कहा फटोफट यहाँ से वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी फटोफट से ना पहले मैं ये रूम साफ़ कर लेती हूँ, फिर किचन का सफाई करके बर्तन धो के बच्चों को नाश्ता बना के देती हूँ, फिर जो भी दिन की रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने सारी सफाई कर दी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया, डस्टिंग वगैरह झाड़ू सारा मैंने लगा दिया है। ये रूश अपनी फ्रॉक इधर उठा के तो ले आई है। इसके अलावा ना मेरे पास एक डस्ट टॉपर पड़ा हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया इस दरवाजे पे। ये बड़ा काम की चीज़ है, सारी डस्ट अंदर आने से ना रोक देता है, तो ये है कि ये रूम जो सा साफ़ ही रहेगा। ये काफ़ी दिनों से मैंने लगाया हुआ था, तो इसी वजह से ना इधर धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं थी। खिड़की पे भी इसलिए आती रही है क्योंकि इस खिड़की का थोड़ा सा गैप है, यहाँ से गैप है, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली जगह, ये आपको दिख रही शायद, आपको ये देखा दिखी है आपको, इसकी गैप की वजह से ना यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो इसका भी कोई इलाज करेंगे। अभी मैं फारिग जब होंगी ना, गेस्ट वगैरह चले जाएंगे तब इसका इलाज करूँगी। ये रूस की प्रॉम मैंने इसलिए इधर रखी हुई है, स्ट्रॉलर सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ये ठीक है, वहाँ रूम में जगह नहीं है, वो सामान वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। तो इसको मैं अभी देखती हूँ बंद करके रख दूँ, ये क्या कहते हैं झूला भी है, इसको भी बंद करके रखना है। तो चलें अब ये सारी सफाई हो गई है, अब मैं पोचा वगैरह लगा देती हूँ पूरे घर में से, और फिर पकाते हैं कुछ, देखते हैं क्या पकाने, देखें इसके काम। अच्छा जी, घर में आटा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा दाने पिसवा के तो ले आते हैं। तो भाई भाई भी थी दाने पिसवाने के लिए, घर में मौजूद, घर में आटा बिल्कुल भी मौजूद नहीं था, फिर मुझे खुद ही आना पड़ा। मैंने रिक्शा मंगवाया, रिक्शे में बैठ कर दाने लाद कर तो फिर इधर ले आए हैं, और अभी दाने बस की सुबह का तो वापस जाना है, फिर आटा छटा गूंदा और देखते हैं क्या करना है। बैक टू माय चैनल, तो मैं बनाने लगी हूँ आज ही शीर कुरमा। तो ये शीर कुरमा बना हुआ मिल जाता है हम लोगों को, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूध मैंने रख दिया बॉयल होने के लिए, 1 किलो दूध है, और मैं बनाने लगी अपना शीर कुरमा। थोड़ा सा इसमें बॉयल आता है तो फिर मैं इसमें शीर कुरमा ऐड करूँगी। ये दूध ना मेरा बॉयल हो चुका है, तकरीबन उबाल आ चुका है, अब मैंने इसमें ये डालने जा रही हूँ लजीजा शीर कुरमा। ये देखें कितना ज़बरदस्त मज़ेदार से ये बना बनाया होता है, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं ये डाल देती हूँ। ये देखें मेरा शीर कुरमा बोलने लगी थी, शीर कुरमा बस पक रहा है, रेडी हो रहा है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है ना, फिर मैं इसको उतार दूंगी और ये ज़बरदस्त किस्म का रेडी होगा, और इतना मज़े का इसका टेस्ट होता है, हर चीज़ इसमें, ड्राई फ्रूट्स हर चीज़ इसमें अवेलेबल होती है यार। जी मेरा शीर कुरमा रेडी हो चुका है, तो मैं ना ये वाले इस बॉल में इसको डाल देती हूँ फटोफट से, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अच्छा जी, मेरा ना शीर कुरमा रेडी हो चुका है, ये मैंने दुआ के लिए बनाया है, मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर आराम से बैठ के जो उनसे ना दुआ मांगूंगी, क्योंकि शब रात है तो कुछ मीठा भी बनाना चाहिए। अब इसके बाद मैं बनाने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई, ठीक है, चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने चिकन ले लिया है, प्याज है, लहसुन है, टमाटर यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो इनको मैं पीस लेती हूँ। टमाटरों को मैं अच्छी तरह से बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी, प्याज मैंने इस तरह से काटा किया कट के, बाकी जो भी डालूंगी ना वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो मैंने पहले ऑयल डाल लिया, ऑयल गर्म हो गया है तकरीबन, चेक करती हूँ, अभी गर्म नहीं हुआ है, गर्म होता है फिर मैं इसमें प्याज डालती हूँ। चिकन प्याज डाल दिए मैंने इसमें, अब मैं इसको भून लेती हूँ थोड़ा सा।
अच्छा ना, मैं प्याज इस तरह से चॉप कर रही थी इस वाले में, तो ये मैंने खींचा है, तो ये देखें ये अब अंदर ही नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया यार इसको मुसीबत। तो उसके बाद मैं चेक करूँगी प्याज, टमाटर तो मेरा तकरीबन हो ही गया है। चलो कोई बात नहीं, प्याज देखते हैं भूनना हो, भूनने हो रहा है, हो धुआं हो गया। तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और मैं इसको इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा पका लेती हूँ, फिर टमाटर ऐड करती हूँ। एक चम्मच सूखा धनिया ऐड कर दिया है मैंने इसमें, इसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा जी, हो धुआं काफ़ी इसमें ना, मैंने ना तकरीबन आधा किलो टमाटर ऐड किए हैं, क्योंकि चिकन था मेरा 2 किलो के करीब है, तो मैंने कहा आधा किलो टमाटर इसमें मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे पास घर में दही अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कहा टमाटर इसमें ज़्यादा डाल देती हूँ। तो टमाटरों से तो वैसे ही पता है आपको कितना मज़ेदार हांडी का टेस्ट हो जाता है यार, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए अब मैं टमाटर इसमें डाल दी हैं और इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेती हूँ। और दूसरी तरफ मेरी मशीन ख़राब हो गई है यार, नहीं पता नहीं इसका क्या होगा, किस तरह ये ठीक होगी। मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी वो कुछ देखें, क्योंकि वो उनके पास हर चीज़ का इलाज होता है, हर चीज़ के मैकेनिक है बस। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा पका लेती हूँ। अच्छा जी, इसकी ना थोड़ी सी भुनाई हो चुकी है जो इस तरह मैंने करनी थी, तो मैं ना इसको बनाऊँगी आज सिर्फ काली मिर्च। यार धुएँ की वजह से ना जो उनसे फोकस नहीं हो रहा। हल्दी डाली है मैंने इसमें, इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी जी नमक, हसबे ज़रूरत आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। मिक्स कर लेती हूँ पहले इसको, और इसमें अब मैं लास्ट चीज़ डालूँगी वो है काली मिर्च। काली मिर्च में मैं पकाऊँगी, लाल मिर्च में इसमें नहीं डालूँगी। तो एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, इतना मज़े का होता है ना काली मिर्च की हांडी में, आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आता है इसको मिक्स कर। अच्छा जी, अब चिकन मैंने ना अच्छी तरह से दोबारा धो लिया है, मैंने कहा थोड़ा सा मतलब ज़रा सा भी उसके साफ ना हो तो स्मेल आना शुरू हो जाती है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एक बोटी को पकड़ पकड़ के तो अच्छी तरह से साफ करती हूँ। तो अब चलें चिकन अपना मैं ऐड कर देती हूँ फटाफट से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसको बुनाई थोड़ी सी इसकी कर लेती हूँ, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, अब मैं इसको थोड़ा सा बुनाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अपने व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ, क्योंकि अब इबादत करनी है। आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा मुझे और अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, मैं भी आप सबके लिए बहुत बहुत दुआ करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।